हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर वन, सलमान खान का एक स्टंट सीन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल टाइगर 3 के सेट से ये वीडियो सामने आया है, जिसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और फिर ट्विटर पर भी ये वीडियो छाया हुआ है। वीडियो में सलमान खान को एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए और फिर अपने वैनिटी में जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में सलमान खान ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। नंबर टू, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को भव्य दिखाने के लिए इसके VFX पर खास जोर दिया जा रहा है और इसके लिए डायरेक्टर नितेश तिवारी ने मशहूर कंपनी डबल नेगेटिव यानी कि DNEG से कांटेक्ट किया है, जो पहले 7 बार ऑस्कर जीत चुकी है। हॉलीवुड की कई फिल्मों के अलावा इस कंपनी ने बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का VFX भी तैयार किया था। नंबर 3, प्रभास स्टारर आदि पुरुष आज यानी 16 जून को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को देखने दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में पहुंच रही है। वहीं अब रामायण पर बेस्ड इस फिल्म के बारे में लोग अलग अलग किस्म की बातें करने लगे हैं। लोगों को फिल्म का VFX और इसके डायलॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब आदि पुरुष को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। नंबर 4, विक्की कौशल और सारा अली खान स्टारर जरा हटके जरा बचके का सुपर स्ट्रॉन्ग दूसरे हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 63 करोड़ के पार चला गया है। जी हां, विक्की सारा की ये लव स्टोरी लोगों के दिमाग में छा चुकी है और फिल्म ने 63 करोड़ नेट का कलेक्शन करके सरप्राइज हिट ऑफ द ईयर बन गई है। इसी के साथ ओवरसीज में 9 करोड़ का कलेक्शन किया गया है। वहीं जरा हटके जरा बचके ने दुनिया भर में 86 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। नंबर 5, सलमान खान के बिग बॉस हाउस में सनी लियोनी की भी एंट्री होने वाली है। दरअसल सनी लियोन बिग बॉस OTT 2 में नजर आने वाली हैं। इस बात की कंफर्मेशन उन्होंने कर दी है। इसे लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि ये 17 जून से स्ट्रीम होगा। फैंस बिग बॉस OTT सीजन 2 जियो सिनेमा और वुड सिलेक्ट पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर 6, आदि पुरुष को देखने के बाद से कुछ दर्शकों को लगने लगा है कि फिल्म में अल्लू अर्जुन का कैमियो है। दरअसल आदि पुरुष के स्क्रीनिंग के बाद से इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो की बात कही जा रही है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है और वो तेजी से वायरल हो रही है। इसे देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो जमकर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिल्म में अल्लू का कोई कैमियो नहीं है। नंबर 7, प्रभास दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म प्रोजेक्ट के मेकर्स ने दिशा पटानी के कैरेक्टर की पहली झलक शेयर किया था। हालांकि प्रोजेक्ट के की टीम ने फिल्म में उनकी भूमिका को हाइड रखने का फैसला किया था, लेकिन अपडेट ये है कि दिशा फिल्म के लिए एक हॉट डांस सीक्वेंस में अपने इनक्रेडिबल डांसिंग स्किल को शोकेस करेंगी। नंबर 8, कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ग्रैंड सॉन्ग गुज्जू पटाखा आउट हो गया है। कार्तिक आर्यन ने अपने परफॉर्मेंस से लाइमलाइट चुरा ली है। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने अपने गाने से फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। गुज्जू पटाखा नाम का ये शानदार ट्रैक दर्शकों को अपनी भव्यता और दिल लूट लेने वाले सीन से इम्प्रेस का वादा करता है। ऐसे में इस गाने को वेडिंग सॉन्ग के रूप में माना जा रहा है। नंबर 9, ऐश्वर्या राय स्टारर पोनियन सेल्वन 2 हिंदी जल्द ही प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग होगी। फिल्म पहले से ही एक ही OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में अवेलेबल है। ऐसे में फैंस काफी समय से OTT पर फिल्म के हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान किया है कि दर्शक 23 जून को पोनियन सेल्वन 2 के हिंदी वर्जन को एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 10, सनी देओल स्टारर गदर एक प्रेम कथा को थिएटर में रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है। आदि पुरुष के रिलीज के बीच भी गदर के लिए लोगों में क्रेज कम नहीं हुआ है। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर एक प्रेम कथा ने शुक्रवार को सिंगल डे पर टोटल 19 लाख रुपए का बिजनेस किया है। एक हफ्ते में फिल्म की टोटल कमाई 2.22 करोड़ तक पहुँच गयी है, जो की 22 साल बाद भी काफी अच्छी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।